मुझे वैसे स्थल पे आने के बाद जिस स्थल पे भविष्य के निर्माता नजर आ, और मैं सबसे पहले चाहूंगा उन सारे निर्माताओं के लिए एक जोरदार तालियां। और वो निर्माता कोई और नहीं, हमारे वो ननिहाल बच्चे भविष्य का। आपको मैं आपका चरण छूने वाला हूँ, आप कैसे मुझे छोटा छोटे भाई को दोस्त बना देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई भरत बाबू एवं समाज सेवी बहुत सारे भाई, और साथ साथ हमारे छोटे छोटे बहुत सारे युवा भाई। मैं युवा भाई के साथ युवा साथी बोलने में भी कदापि नहीं कोई कंजूसी करूंगा। धनंजय जी हो, सौरभ जी हो, हमारे साथ उपस्थित अंशु भाई, अभय प्रताप के नाम से लोग उन्हें जानते हैं, बचपन से मैं उन्हें जानता हूं, घर का नाम ज्यादा याद आता है। अंशु जी तो मैं भी हो सकता हूं। संतोष जी के माध्यम से हमारे छोटे छोटे बच्चे के अंदर भी ये बातें पनप रही होगी कि पुरस्कार क्या चीज होता है। पुरस्कार कोई ऐसी चीजें नहीं कि देश में जाने के बाद हम एक पुरस्कार लें और वही सही पुरस्कार होता है। पुरस्कार तो वो भी होता है कि जब मैं एक छोटा सा भी काम करता हूं तो मेरे मम्मी पापा के द्वारा भी यदि कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वहां से पुरस्कार का मतलब समझ में आने लगता है। जब मैं और बड़ा होता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, कोई कार्य करता हूँ, कक्षा में अधिक अच्छा लाता हूँ, अच्छा करता हूँ, तो मेरे शिक्षक मुझे पुरस्कारित करते हैं। स्कूल के बाद हाई स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल के बाद कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाकर के जाने के बाद हम लोग महाविद्यालय में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। आप हमारे युवा के भविष्य हैं, आज हमारे देश के संस्कार हैं, हमारा देश आज के आप पे उत्साह उतना ही ज्यादा है आपके अंदर। धन्यवाद। चलिए बहुत कुछ बोला मैं, बस इतना जरूर बोलना चाहूंगा बच्चों के लिए कि आप भी यहां से पुरस्कार लेकर जाएं और ये पुरस्कार को आप अपने जिंदगी का पहला पुरस्कार मानेंगे और उसी पुरस्कार के बाद हमेशा ये सोचेंगे कि इसके बाद जितना भी पुरस्कार पाने का मौका मुझे मिले वो पुरस्कार लेने के लिए जितना जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा मैं मेहनत करूंगा और वो पुरस्कार मेरा। धन्यवाद।